द प्रेस्ट इन द टेम्पल सॉ द फायर एंड स्टार्ट रिंगिंग द बिग बेल जैसे ही उस प्रेस्ट ने देखा प्रेस्ट मतलब पुजारी तो मंदिर के पुजारी ने देखा कि इतनी आग लगी है ही स्टार्टेड टू रिंग द बेल राइट द पीपल टर्न फ्रॉम द सी टू सी वाई द बेल वॉज रनिंग ऑल ऑफ अ सडन तो अभी तक क्या हो रहा था द पीपल वेर मैसमराइज एंड सरप्राइज्ड बाई लुकिंग आफ्टर द पेक्यूलियर व्यू एंड अ स्ट्रेंज व्यू ऑफ सी बट वेन दे हॉट द बेल इज रिंगिंग दे जस्ट टर्नड वो जैसे इस तरफ सी है हम यहाँ पेक्यूलर व्यू ले रहे हैं लेकिन जैसे ही पीछे से बेल बज रही है हम क्या हो रहे हैं पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि आखिर ये अचानक से घंटियाँ क्यों बजने लग गई तो लोग भी उसी तरीके से पीछे मुड़े राइट इन जापान इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन इन द विलेज टू हेल्प वेन देर इज अ फायर तो जापान में सबकी ड्यूटी होती है कि अगर कहीं फायर सेट हो जाता है तो इट्स द रिस्पांसिबिलिटी इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन रिसाइडिंग देयर कि वो उस फायर को बुझाने में मदद करेगा नो सोना डिट द पीपल सी हमा गुचीज टैक्स ऑफ राइस ऑन फायर दैट दे रैन टू वर्ड्स फील्ड लाइक एन आर्मी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी की बोरियां जल रही थी बस उन्होंने देखा कि जो है बहुत आग लगी हुई है तो वो लोग क्या करने लग गए अब वो लोग एक झुंड की तरह माउंटेन पर क्योंकि हमारी ऊंची का जो घर था वो प्लेटू पे था माउंटेन के थोड़े अपर साइड में था तो वो सब एक झुंड की तरह एक ग्रुप की तरह वो लोग क्या करने लग गए थे वो ऊपर की ओर बढ़ने लग गए और सब के सब उस फील्ड पे जाने लग गए जैसे कि चीटियाँ चढ़ती हैं एक लाइन में एक रूम में तो सब वैसे चढ़ने लग गए थे यंग मैन एंड बॉयज वमेंस एंड गर्ल्स ओल्ड फॉक्स मदर्स विद बेबीज तो मतलब कोई नहीं रह गया था चाहे वो बुज़ुर्ग आदमी हो चाहे नया बच्चा हो या यंग पर्सन हो या औरतें हो या लड़कियां हो या फिर मदर विद द बेबीज जो माँ हो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने बैग पर रखे होंगे बैग्स इवन लिटिल चिल्ड्रेन हालाँकि छोटे छोटे बच्चे भी जो उनके साथ थे वो सारे लोग दे ऑल क्लाइंब द माउंटेन टू ज्वाइन द रेस वो सब एक साथ ऊपर चढ़ने लग गए ग्रुप ऑफ एंड के जैसे ताकि दे कैन पुट आउट द फायर ताकि वो क्या कर सके उस फायर को किसी भी तरीके से कंट्रोल में ला सकें या बुझा सकें बट बाई द टाइम दे रीच द प्लैट टू इट वॉज ऑलरेडी टू लेट लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँच से वो बहुत क्या हो चुकी थी बहुत देर हो चुकी थी द फ्लेम्स हैड डिस्ट्रॉयड द एंटायर हार्वेस्ट एंड टर्न एवरीथिंग टू ऐश जो फ्लेम्स थी जो ऊंची ऊंची आग जल रही थी उसने क्या किया था पूरे एंटायर हार्वेस्ट को मतलब एंटायर राइ सैक्स को जला दिया था और सारी चीज़ों को ऐश में ऐश में यानी राख में तब्दील कर दिया था इट कन्वर्टेड द सैक ऑफ राइस इनटू ऐश इट इज टू बैड द पीपल एक्सक्लेम्ड लोगों को लगने लगा कि ये बहुत बुरा हुआ है इनके साथ हाउ डिड दिस हैपन उनका क्वेश्चन था अरे ये आपके साथ कैसे हो बेसिकली जैसे नॉर्मली होता है ग्रैंड फादर डिड इट कराइड द यंग बॉय दंग बॉय वॉज सो पैनिक एंड ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तो उसने चिल्ला के कह दिया कि ग्रैंड फादर ने ही ये खुद किया है ही लिट ईट टैक ऑफ राइस ही हैज़ गैड वो पागल हो गए हैं और उन्हें हर एक राइस की बोरी को खुद अपने हाथों से आग लगा दी अकॉर्डिंग टू हिम उसने बता दिया सारी चीज़ें द पीपल वॉज अमेज दे वे आर टोटली सरप्राइज कि अरे ये बुढ़ा आदमी पागल हो गया है ये बुजुर्ग आदमी जो है जो इतना एक्सपीरियंस्ड है क्या ये मैड हो गया है ना इज ई गेटिंग मैड डे बाई डे सो so, उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था दे कूडेंट बिलीव वॉट दे हैड हर्ड वो उस चीज़ पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने जो भी सुना था दे स्टेयर हामागुची वो घूर घूर कर क्या करने लग गए थे हामागुची को देख रहे थे यू डिड दिस और सबसे बड़ा सवाल था कि सच में आपने ही किया ये दे क्राइड वो जोर से चीखते हुए पूछ रहे थे You set fire to your own fields. क्या आपने खुद अपने हाँ अपने ही खेतों में और अपनी उगायी हुई क्रॉप में आग लगा दी है सीरियसली यू डिड दिस क्वेश्चन था उनका लुक टूवर्ड दी सेट द ओल्ड मैन उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि एक काम करिए मूव टूवर्ड द सी एंड लुक तो उसने कहा कि आप एक काम करो घूमो अभी तो आप मेरे तरफ देख रहे हैं काम करो उन्होंने कहा कि एक काम करो आप टर्न हो जाओ एंड लुक टू द सी ठीक है एंड यू विल नो वाई आई डेड इट उसके बाद ही आप जान पाओगे कि व्हाट वॉज द रीजन इट वाई आई डेड इट द पीपल टर्न एंड लुक जैसे ही लोग टर्न होते हैं और देखते हैं दीवाल उनकी तरफ बहुत ही तेज गति से चली आ रही है राइट इट वॉज अंग सी ये जो है एक वापस जाता हुआ समुद्रता द पीपल्ट पीपल बहुत डर गए थे वहाँ के जो लोग थे विलेजेस दे वर टोटली मीन्स फ्राइटन वो बहुत डर गए थे बट देयर वॉइस वे लॉस्ट इन ग्रेट साउंड लेकिन उनकी जो आवाज़ थी वो उस आवाज़ में दब गई थी अब ये आवाज़ कौन सी थी एक्चुअली जो पानी जो था जो एक बहुत बड़ी वॉल के जैसे आया था वो उस माउंटेन से टकराया था और जब भी वो इतना पानी इतनी स्पीड से टकराता है तो उसकी एक अपना शोर होता है आप कभी भी अगर सी शोर पर गए होंगे तो यू हैव बीन फाउंड कि हम कभी भी जब एक दूसरे से सी शोर पर बात करते हैं उस समय पानी का नॉइस ही इतना ज़्यादा होता है कि हम अपने साथ वाले से ईजीली बात नहीं कर पाते बहुत ज़ोर से हमें बातें करनी पड़ती है इवन तो समाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत पास जाकर के एक दूसरे से बात करते हैं तो सोचिए वो इतनी बड़ी पानी की वॉल थी उसकी वजह से कितना शोर हुआ होगा राइट तो अब देखते हैं आगे क्या होता है उन्होंने अपनी आवाज़ को खुद नहीं सुन पाए वो जोर से चीखे सबके सब डर के मारे, लेकिन उनकी आवाज़ उस ऊंची पानी की दीवार की जो टकराहट थी माउंटेन से उस चक्राहट में दब गई थी राइट लाउडर देन एनी थंडर दे हैड एवर हर्ड उन्होंने ये तेज आवाज कभी भी पहले नहीं सुनी थी एज द वाटर स्ट्रक द साइड ऑफ द माउंटेन क्या हुआ था वो जो ऊंची दीवाल से पानी आ रहा था मतलब पानी की ही दीवार थी वो जो वॉटर आ रहा था वो माउंटेन से टकराया था हिल्स शुग एंड देर ड्रेंज इन अ ग्रेट बर्स्ट ऑफ फोम और जैसे ही वो पानी उसे टकराया देर वॉज अ लिटिल विट शूक मतलब थोड़ा सा हे, जो हिल है माउंटेन है वो हिला और उससे टकराने से जो फोम वाला पार्ट है ऊपर वाला पार्ट है वो इस तरीके से स्प्रेड हो गया राइट अब वो स्प्रेड होके किसके ऊपर गया विलेजर्स स्टैंडिंग ओवर देयर एंड लुकिंग टू द वेव्स तो जो विलेजर्स थे उन जो वेव्स को देख रहे थे उन पर आया और वो लोग सारे उस फोम से क्या हो गए थे भीग गए थे है ना वेन द क्लाउड ऑफ स्प्रेड डिस अपीय द पीपल्स वो वाइल्ड सी ए रोरिंग ओवर वॉट वॉज वंस देर विलेज जैसे ही वो वहाँ से वो फोम का और वैसा दृश्य वहाँ से हटा उन लोगों ने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक जो सी है समुद्र है बहुत खतरनाक रोर दे रहा है और उनका जो विलेज था वो पहले कभी वहाँ हुआ करता था ग्रेट एंग्री वेव टम्बल्ड अबाउ द हाउस टॉप्स रोलिंग रोरिंग एंड टियरिंग ऑफ हाउसेज ट्रीज एनीथिंग दैट के मिनट्स वे तो ये जो एंग्री वेव्स थी ये आई थी और जाते समय इतने गुस्से में थी कि वो जितने भी घर थे उन सबकी छतों को ले गई और साथ ही साथ कई घरों को तो तोड़ते फोड़ते हुए निकल निकल गई ट्रीज़ को बीच में से फाड़ते हुए निकल गई थी और साथ ही साथ वो इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े रॉक्स जो उनके रास्ते के बीच में आए थे उनको भी उन्होंने तोड़ दिया इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पीबल्स छोटे छोटे कंकड़ों में है ना उसके रूप में उन्होंने तोड़ दिया और ये कंकड़ उछल रहे थे जब वो पानी वहाँ से वापस जा रहा था अगेन, द वॉल ऑफ वाटर स्ट्रक एंड अगेन बट विथ लेस फोर्स ईच टाइम अब ये कुछ देर तक ये स्ट्रकिंग वाला जो सीरीज था वो चल रहा था बार बार हो रहा था लेकिन अब पहली बार की तरह ये उतना पावरफुल नहीं था हर बार इसकी पावर वो महसूस कर रहे थे कि कम होती चली जा रही थी एट लास्ट इट फेल बैक इन इट्स former प्लेस कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि समुद्र पहले की तरह शांत हो चुका था द पीपल्स टू स्पीच डटेचू ऑन द साइड ऑफ माउंटेन माउंटेन के किनारे सारे विलेजेस देवर कैप्ट क्वाइट देवर नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड द विलेज वॉज गॉन जो विलेज था इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड इवन दो द टेम्पल वॉज ऑल्सो नो मोर देयर एंड द फील्स हैड बीन टॉन अवे और जितने भी उनके फार्म थे उनको ऐसा लग रहा था किसी ने बुरी तरीके से तोड़ दिया है या अस्त व्यस्त नष्ट कर दिया है नथिंग वॉज लेफ्ट ऑफ देयर होम्स उनके घर की कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं टिकी थी बट ए फ्यू स्ट्रॉ रूफ्स दैट फ्लोटेड ऑन द वॉटर बस क्या बचा था कि कुछ घास के रूफ मतलब घास की छतें बची थी जो कि वहाँ जो पानी था उस पर क्या कर रहा था वो फ्लोट कर रहा था मतलब तैर रहा था हव प्रेशियस ह्यूमन लाइफ वे सेवड ऑन द माउंटेन साइड बाई दिस टाइमली एक्ट लेकिन सबसे अमेजिंग बात इसमें यह थी इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि जो प्रेशियस ह्यूमन लाइफ था वो पूरी तरीके से सेफ था सिक्योर था जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमली एक्ट वॉट द हमा हुई डिड है ना पीपल नाउ रियलाइज वाई ओल्ड हमागुची सेट फायर टू द राइस तब जाकर के उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं सही बात है अब हम ने क्यों किया अपने राइस के सैक्स पे क्यों लगाई थी अब उनको ये चीज़ें सारी समझ में आई थी देर इज टूड एमंग दैम एज पुअर एज एनी वहाँ पर वो उन लोगों के सामने खड़ा था जैसे कि वो सबसे गरीब हो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑल दीज पीपल फेल ऑन देर नीज टू थैंक हिम क्योंकि आज उसकी सारी राइस सैक्स जल चुके थे बट लोगों के मन में उनके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट था सबके सब उनको रिस्पेक्ट देने के लिए अपने ओन कल्चर को फॉलो करते हैं दे फेल ऑन देयर नीज टू थैंक देम एक्चुअली दे बेंड देयर हेड ऑल्सो टू थैंक टू थैंक देम सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड द लेसन आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन और आपको इस लेसन में मजा आया होगा चलिए हम इसके वर्ड मीनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं और वर्ड मीनिंग से पहले ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दिस स्टोरी इज रिटन बाई लेफका हेरेन ही वॉज बॉर्न ऑन एटीन फिफ्टी एंड डायड ऑन नाइनटीन हंड्रेड एंड फॉर्म फोर बिकेम अ जैपनीज सिटीजन टेकिंग द नेम यूकूमो कोइजूमी In this book, uh, Gligans in Buddha published in 1897, Hearn has written about the Japanese culture, Buddhist practice and many historical events. One of the most remarkable historical event in this book is that in which Hamaguchi Goi saves all the villagers of this village from a tsunami. So this is uh, not only a story, it is an actual thing which एग्जैक्टली exactly हैप्पेंस और उसको एक स्टोरी का फॉर्म दिया गया राइट सो कमिंग टू वर्ड्स द वर्ड मीनिंग ऑफ दिसवें लेसन सॉरी सुनामी अ सीरीज सुनामी सुनापे या यू कैन सी दैट टीज साइलेंट और ऐसे में से प्रोनाशिएट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि ऑनेस्टी तो हम ही नहीं बोलते जबकि उसकी वर्ड को हम देखें तो एच ओ एन ई एस टी वाई उसकी स्पेलिंग ये है इस वर्ड की तो वहाँ हम क्या बोलते हैं ऑनेस्टी एच साइलेंट होता है वैसे ही इस वर्ड में टी जो है वो साइलेंट है उसे हम सुना में कहते हैं राइट अ सीरीज ऑफ वाटर वेव्स इन सी और ओशियन कॉस्ड बाई द डिसप्लेसमेंट ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है टाइडल वेव वेरी लार्ज वेव यूजली कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी टैश रूफ मेड ऑफ स्ट्रॉ छोटे छोटे घर जो बहुत एक दूसरे से नजदीक बने होते हैं और जिनकी जो छतें होती हैं वो स्ट्रॉ से यानी घास से बनी होती हैं मिनैकिंग मतलब फ्राइटनिंग बहुत डरावना हो प्लैक टू ग्राउंड राइट अब इसके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आते हैं और क्वेश्चन आंसर्स को जानने और समझने की कोशिश करते हैं so the questions are on your screen first question what are the similarities and differences do you find between the celebration of harvest festival describe in lesson and that celebrate in your village town so ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन बट द आंसर यू कैन राइट आई विल गिव इट टू यू ठीक है तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं कि आप इस तरह के सेलिब्रेशन को आप अपने जैसे पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं आपके विलेज या टाउन में पाई जाती है तो ऑफकोर्स हम देखते हैं देर इज मच सिमिलैरिटी बिटवीन द सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल डिस्क्राइब इन द लेसन दैट सेलिब्रेटेड इन अवर टाउन द राइस क्रॉप हैड बीन गुड एंड द विज वेयर हैप्पी इवन इन अवर टाउन द हार्वेस्ट हैड बीन गुड इन द लेसन द हाउस वेयर हैप्पीली डेकोरेटेड विद लैंड वेयर ब्राइट सॉरी द विलेज वो और ब्राइट कलर्ड क्रोथ्स कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं देखिए जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना वो भी धान का कटोरा मान जाता तो है यहाँ पे भी राइस जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है इसकी आ, फार्मिंग होती है राइट तो जब ये बहुत बेसिक है हमारे यहाँ तो हार्वेस्टिंग भी बहुत बेसिक है तब धान की फसल या हम कह सकते हैं राइस का जो फसल है जब बहुत अच्छा होता है उस समय हमारे जो स्टेट में भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो हमारे स्टेट में भी सेम तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कि पहले जब धान होता है तो उसकी कटाई की जाती है फिर उसकी मिंजाई की जाती है मतलब उन स्ट्रॉज से धान को अलग कर लिया जाता है मतलब अन्न जो है उसको अलग कर लिया जाता है और फिर ये फेस्टिवल उस खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है कि क्या हो रहा है जो राइस का प्रोडक्शन है वो फार्मर्स सेलिब्रेट करते हैं या अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को लेकर के जो फार्मर्स है वो सेलिब्रेट करते हैं सेकंड है हमागुची वाज फ्राइटेंड बाय सुनामी व्हाई राइट डाउन द एक्सप्रेशंस व्हिच कन्वे हिज फियर तो हमागुची थे वो सुनामी से थोड़ा डरे हुए थे ऐसे कौन सी बातें आपको इस लेसन में बता रही हैं जो कि ये मैसेज कन्वे करते हैं कि वो डरे हुए थे तो हामागुची बस फ्राइटेंड बिकॉज द वाटर वॉज गोइंग अवे फ्रॉम द बीच दिस स्ट्रेंज साइड मेड हामागुची स्केट वो इसीलिए स्केट थे क्योंकि मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो जो बेसिकली जो वेव्स हैं वो सी शोर की तरफ आती है रोल करते हुए और उसकी हाइट बहुत कम होती है लेकिन जब उन्होंने नोटिस किया कि जो पानी है वो पीछे हट रहा है राइट वो सी शोर से पीछे हट रहा है और ये बहुत ही स्ट्रेंज साइड था उनके लिए तो इसलिए वो थोड़ा सा डर गए थे तड़ा सैड डेट इज ग्रैंड फादर वॉज मैड कमेंट ऑन योन्स यूज ऑफ द वर्ड मैड फॉर हिज ग्रैंड फादर तड़ा का कहना था कि उसका जो ग्रैंड फादर है वो पागल हैं तो हमें कमेंट करना है कि जो mad ये जो मैड शब्द यूज़ किया है योन ने यह क्यों किया है Yes, so when Hamaguchi saw the uncertain water coming on their way, he had to signal the people, and since there was not option, he set his own field on fire. When the people gathered asked how it took place, then his grandson told them that it was his grandfather who has caused the damage to his own field. He calls him Matt. फॉर हिज एक्शन एज ही इज अ चाइल्ड एंड डज नॉट नो दिन इंटेंशन बिहड इट ही यूज दैट वर्ड तो बेसिकली अगर आप लेसन देखें और लेसन को अगर आपने ठीक से सुना होगा इसका एक्सप्लेनेशन सो यू हैव लर्न दैट की जो सिचुएशन बन रही थी वो अनसर्टेन थी और इस अनसर्टेन सिचुएशन को देख करके हमागुची थोड़ा डर गए थे और क्योंकि सारे लोगों को इसको बताना बहुत ज़रूरी था हिंस देना सिग्नल देना ज़रूरी था और उनके पास टाइम बहुत बेसिकली कम बचा था सो so, ये मैसेज सब तक जाने इम्पॉर्टेंट था या लोगों की जो क्राउड नीचे थी उसको ऊपर बुलाना ज़रूरी था बेसिकली तो उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया था उनके लिए एक ही शॉर्टकट बचा था कि उनके पास जो रिसोर्स थे वो इनका इस्तेमाल करते और उन्होंने अपनी रिसोर्स का यूज़ किया जिसको देख करके जो वहाँ का पैटर्न है जापान का लोगों ने उस पैटर्न को फॉलो किया और वो लोग सभी लोग वो प्लेटू पर आ गए थे और इन दिस वे ही सेफ ऑल दिलेज ऑफ दैट विलेज ठीक है अब क्योंकि जो योंग है वो एक छोटा बच्चा है ही डिड नॉट नो एंड ही वॉज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड इट वो उनके इंटेंशन को नहीं समझ पा रहा था कि उसके दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बच्चा था इसलिए वो अपने दादाजी को गलती से मैड कहता है राइट कमिंग टू वर्ड द अनदर क्वेश्चन वॉट डू यू थिंक द बेल इन द टेम्पल कन्वे टू द विज आपको क्या लगता है कि जो विलेजेस को जो टेंपल का बेल है कौन सा मैसेज देता है तो ये इफकोर्स फर्स्ट द प्रेस्ट इन द टेंपल सॉ द फायर एंड रेंग द बेल द बेल्स इन द टेंपल कन्वे टू द विलेज दैट समथिंग हैज टेकन प्लेस एंड इमीडिएटली सॉ द फायर तो यहाँ पे जैसे ही लोग वहाँ का सुनते हैं बेल पहले सबसे पहले किसने देखा था प्रेस्ट ने देखा था तो उन्होंने जैसे ही वो फायर को देखा एक बेल बजाई तो उस बेल की रिंगिंग का मतलब था अनसर्टिन थिंग इज हैपनिंग और कुछ तो भी ऐसा है जो नहीं होना चाहिए समथिंग इज गेटिंग रॉन्ग पीपल हैव टू कम एंड पीपल हैव टू टू केम नो अबाउट दीज थिंग्स है ना उनको पता होना चाहिए तो वो नोटिफाई करने के लिए वो बेल को रिंग किया गया था लोगों ने उसे नोटिस किया और उस सिचुएशन से हमागुच्छी को बाहर निकालने के लिए वो एक एंट के ग्रुप की तरह माउंटेन पर चढ़ गए थे हाउ वुड यू डिस्क्राइब हामागुची अब हामागुची को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे तो बिल्कुल सही बात है वो एक करेजियस और बोल्ड पर्सन थे वो एक सेल्फलेस मैन थे हिज एक्ट ऑफ ब्रेवरी सेव्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैड ही नॉट यूज द स्ट्रिक ऑफ सेटिंग हेज राइस फील्ड ऑन फायर द सिचुएशन वुड हैिफरेंट इट वॉज बिकॉज ऑफ हेम एवरी वन गॉड सेफ एंड हम हुई इज ट्रूली अ हीरो तो कहने का मतलब है अगर उन्होंने इंस्टेंट ही उस युक्ति का इस्तेमाल नहीं किया होता कि उन्होंने अपने सेक्स को आग नहीं लगाई होती तो आज इतने सारे लोगों की जान नहीं बचती और इतने सारे लोग सेफ भी नहीं होते और आज वो हमारे बीच एज अ हीरो आते भी नहीं राइट नेक्स्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द सुनामी ऑन द विलेज यू कैन टेक द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम योर इमेजिनेशन यू हैव टू राइट दिस आंसर इन योर ओन वर्ड्स लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सुनामी सुनामी के जो साइड इफेक्ट्स थे वो आपको बताना है विलेज पर तो आप बुक से पढ़ करके उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं स्टिल सुनामी का जो इफेक्ट था

इट टुक अ मेजर टोल ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल नीडलेस टू से शॉक इट गेव द पीपल कैन नॉट बी डिस्क्राइब तो लोग उसको बता नहीं सकते कि सुनामी ने किस हद तक उनको नुकसान पहुँचाया था पेस्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस लेसन वॉट डू यू थिंक वुड हैव बीन एफर्ट एट दिलेज वुड है तो कहने का मतलब है कि आप क्या सोचते हैं आप कैसे सोचते हैं कि जो एफर्ट्स वुड हैव बीन द एफर्ट्स दैट विलेजर वुड हैव मेड टू ब्रिंग लाइफ बैक टू द नॉर्मल कैसे उन्होंने लाइफ को वापस नॉर्मल लाने के लिए क्या किया होगा

फिर से अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ फार्मिंग अगेन है ना तो दिस इज द द आंसर ऑफ क्वेश्चन आइए एक छोटे से फिलिप्स की तरफ चलते हैं जहाँ पे आर्टिकल का यूज आप समझेंगे कहाँ पे करते हैं आर्टिकल है ए एंड द का यूज जैसे कि आपको पहले भी मैंने आर्टिकल बताया है उस समय मैंने आपको बताया है कि ए कहाँ यूज होता है एन कहाँ यूज होता है द कहा यूज होता है इसी बेसिस पे आपको फिल करना है सो दिस इज द क्वेश्चन वंस अपॉन अ टाइम देर लीव्ड एन ओल्ड मैन यहाँ पे ओल्ड है हम प्रिनंशिएट कर रहे हैं ओ तो जो कि एक वर्ल है इसलिए हम यहाँ एन लिखते हैं विथ हिस्स फाइव सन्स एज द मैन मैन एक स्पेसिफिक पर्सन है तो द यूज हो रहा है वॉज गेटिंग ओल्ड एंड वीक ही वॉन्टेड ऑल हिज सन्स टू जॉइन हिस्स बिजनेस एंड वर्क टूगेदर बट द सन्स लगेगा ना ए लगेगा ना एन लगेगा वेर परपेचुअली क्वारलिंग अमंग दम सेल्व वंस इट इज सो हैपन दैट दे फॉट सो मच अमंग अमंगल्व दे कट ईच अदर्स मुसैज उन लोगों ने एक दूसरे की मूछे काट दी थी वैन द ओल्ड मैन ठीक है यहाँ आप बोलेंगे मैम यहाँ तो ओ लगा है तो यहाँ पे एन क्यों नहीं लगा है तो यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं हम ओल्ड मैन को इसलिए द लगा है फेल टू सेटल द डिस्प्यूट बाई हिज एग्जॉर्शन ही डिटरमाइंड टू गिव दम अप

टू अंडल bundle, एक बंडल में them in succession and देम them to break it in the pieces. उन्होंने क्या किया ये बंडल को उनको ट्रांसफर कर दिया और कहा सबसे एक एक बार लो और एक काम कर सकते किसी भी तरीके से इसे तोड़ के दिखाओ right? दे ट्राइड विथ ऑल दे स्ट्रेंथ उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की एंड वे आर नॉट एबल टू डू इट लेकिन वो तोड़ नहीं पाए थे द नेक्स्ट ओपन द फॉट तो उन्होंने क्या किया अब उस जो उन्होंने बाइंडिंग की थी उन उसका एक फैगॉट बनाया था मतलब गठा बनाया था उसको खोला एंड टुक द स्टिक्स और एक एक स्टिक ली और उसको सेपरेट करके वन बाई वन तोड़ दिया ठीक है एंड अगेन पुट दैम इन टू सन द सन कोड इजीली ब्रेक दैम नाउ तो द बेसिक मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट की तो पहले आपने यहाँ ए एंड द का यूज़ करना सीखा दूसरी चीज़ आपने ये सीखा कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ आप साथ में हो तो लाग, लोग आपको आसानी से तोड़ नहीं सकते बल्कि जब आप अकेले अकेले काम कर रहे हो या किसी चीज़ को अकेले लेकर चल रहे हो तो आप तुरंत डिस्ट्रॉय हो सकते हो सो यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ द बेसिक मोरल ऑफ द स्टोरी एंड हमागुची का स्टोरी आपने सुना तो उसका मोरल ये है कि यू मस्ट बी क्वाइट जो कहना चाहिए हमेशा अलर्ट होना चाहिए और इतने ही ब्रेव होना चाहिए कि किस समय क्या काम करे कि लोग लोगों को आप से हेल्प मिल सकें सो थैंक यू वेरी मच आई होप यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस लेसन एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेसन वी विल मीट अगेन विद अनदर लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू टेक केयर बाय बाय